मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग। आप लोग मेरे चैनल पर स्वागत है। और आज मैं करने जा रही हूँ किचन की थोड़ी सफाई, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछली बार देहरादून से आई थी तब किया था, तो अभी मैं सोच रही हूँ आज इनको पूरा चेंज करती हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, देहरादून से आने के बाद मैंने एक बार पूरे अच्छे से कर दिया था किचन की सफाई, पर मैंने जो किचन में पेपर बिछा हुआ उसको चेंज नहीं किया था, क्योंकि वो साफ़ भी था और वैसे भी अभी भी साफ़ ही, इतना गंदा नहीं हुआ। पर मैंने कहा चलो, मैंने ऑनलाइन मंगा के रखा हुआ था तो आज मैं उसको चेंज कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैंने नहा धो के पूजा कर लिया था और उसके बाद मैं सबसे पहले बना रही थी खाना, क्योंकि खाना बना के उसके बाद काम करना इजी लगता है मेरे को, क्योंकि अगर पहले काम करने लग जाऊँ और फिर बाद में खाना बनाने को आलस भी आता है और फिर उसके बाद मतलब गर्मी भी इतना हो जाता है काम करते करते, तो ऐसा लगता है कब काम ख़त्म हो और कब रेस्ट करूँ। तो इसलिए मैंने सबसे पहले ऊपर के सारे बर्तन उतारे और उतारने के बाद फिर मैंने बाथरूम में रख दिया, क्योंकि यहाँ पर खड़े होके और ये कांच के बर्तन है और इसका टूटने का डर रहता है, तो इसलिए मैंने सब कांच के जितने भी प्लेट थे, कटोरी थी, सब मैंने बाथरूम में रख दिया और बाथरूम में बैठ के अच्छे से इसको धो रही हूँ। और इसको टाइम टाइम में धोना पड़ता है, क्योंकि कहते हैं ना, आप चाहे चिमनी लगा लो, एडजस्ट फैन लगा लो, पर जो कहते हैं ना चिपचिपापन, वो रहता ही है जितना भी आप वो कर लो। तो इसके बाद मैं फटाफट धो रही हूँ, धो के बाल्टी में रख दूँगी, वहीं पे थोड़ा सा ये सूख जाएगा। और पहले सबसे पहले मैं ये धो के रख के उसके बाद साथ के साथ मैंने दाल भी बना दिया था और सब्ज़ी भी यहाँ पर मेरी बन गई है। और मैं ये नाप रही हूँ, नाप के देखती हूँ कितना लगेगा, तो उसी हिसाब से मैं नाप के काट रही थी। और नाप के काटने के बाद सबसे पहले मैं ऊपर से शुरुआत कर रही हूँ, और आगे से मैंने स्टिकर निकाला तो वो मेरे से अच्छे से नहीं निकला, तो वो देखिए आगे पूरा ख़राब हो गया था। और उसको मैंने फोल्ड करके आगे करके फिर उसको मैंने काट दिया था कैंची से, काट के फिर अच्छे से फिट कर दिया और ऊपर सेट करके ऊपर का सारा सामान लगा दिया था। और उसके बाद मैं नीचे वाला रेक का सारा डिब्बे खाली कर रही थी और इसमें से कितने डिब्बे जैसे चाहिए होते हैं वो रख रही थी और कुछ डिब्बे में फेंक रही थी और कुछ सामान वगैरह भी जो ख़राब जैसे लग रहा था उसको चेंज कर रही थी। और कुछ डिब्बे मैंने इसमें से जो साफ थे उसको रख दिया था और जो थोड़े गंदे थे उसको मैं धो रही थी, धोने के लिए मैंने रख दिया था। तो यहाँ पर भी नाप के लगा रही हूँ। ये बहुत ही हार्ड काम लगा मुझे, जैसे मैंने वर्षा के ब्लॉग में देखा था तो मुझे लगा था शायद इतना हार्ड नहीं होगा, पर कहते ना शुरुआत में कुछ भी काम करते हो तो जब तक थोड़ा अच्छे से ना आए तो मतलब थोड़ा मिस्टेक हो ही जाता है, तो बड़ी मुश्किल। सबसे पहले ऊपर का लगाने में तो मेरे को बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तो उसके बाद जैसे मैंने दो तीन लगाया उसके बाद थोड़ा बहुत मेरे को अंदाज़ा हो गया था, तो सबसे लास्ट में जब मैंने लगाया तो इतना मुश्किल नहीं हुआ। तो देखिए मैंने नीचे के साइड भी लगा दिए, इस साइड भी लगा दिया है, तो सामने से भी मैंने अच्छे से लगा दिया क्योंकि थोड़े दिखने में अच्छा लगेगा। और देखिए यहाँ पर सेट हो गया है, सेट हो गया है। और यहाँ पर मेगा ने करेले की सब्ज़ी बना दिया है, देखिए। बर्तन धो दिए मेगा ने, अब मैं जाती हूँ नहाने के लिए, देख सकते हैं कितना पसीना हो रहा है। और नहाती हूँ और मैंने थोड़े से कपड़े भी, थोड़े बहुत कपड़े धोए, जो कि आकाश आज आ गया है उसके थोड़े बहुत कपड़े धोने थे वो धो दिए, और जूते थे तीन चार जूते वो धो के सुखा दिए हैं। तो मैं सोच रही थी आज आकाश लेके जाएगा लियो को, पर उसका कुछ काम आ गया तो वो चले गए, तो अभी हम जाएंगे लियो के ले जाके। लियो जानिया हाँ, तो इसको अभी जाएंगे डॉक्टर के पास, क्योंकि इसकी जो आँखों में है वो ठीक नहीं हो रहा है। हमने सोचा था शायद बीच में ठीक होने जैसे हो गया था, तो मुझे लग रहा था ठीक हो जाएगा पर नहीं हो रहा, तो अभी जाते हैं इसको हॉस्पिटल लेके, है ना। चलो चलो। तो हम पहुंच गए हैं क्लिनिक में, और पहले दूसरी जगह था, अभी दूसरी जगह मतलब शिफ्ट हो गया था ये क्लिनिक। तो यहाँ पर जैसे अंदर जाने लगे तो यहाँ पर इतने सारे कुत्ते और बिल्ली थे, तो उनको देखते ही वो टोकरी में थोड़ा आवाज़ करने लग गया था हमारा लियो, सोच रहा होगा कि मेरे को कहाँ लेके आ गए हैं।
बाद में दिखाना घर पे जाने के बाद ब्लड टेस्ट अभी एक महीना हो गया बाबा इसका अभी डीवर्मिंग भी कर ही दो इसका किया है डीवर्मिंग कभी हाँ कब किया है अरे जल्दी बोलो टाइम तो है पर अब करना पड़ेगा इसको महेश इसका डीवर्मिंग करो जल्दी से तुम लोग घर पे कर सकते हो डीवर्मिंग बेटा जल्दी बोल इसका डीवर्मिंग कर क्यों बने के गोली ले अच्छा पीछे का पैर पकड़ लो या आगे का पैर पकड़ लो मिलेगा ना तुझे ना कंबल लेके आना ऐसा ब्लैंकेट नहीं तो बेडशीट याद से आज इसने परेशान कर दिया आज 1.5 साल हो गए इसको रखा हुआ आज इसकी असली गुस्से वाली आवाज़ निकली